हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। लास्ट वीडियो हमने बाड़मेर जिला और भरतपुर जिला इससे संबंधित प्रश्न कर लिए थे, तो चलिए आज हम करने वाले हैं भीलवाड़ा जिला। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में वस्त्रों की नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान में वस्त्रों की नगरी किसे कहा जाता है? तो भीलवाड़ा को वस्त्रों की नगरी कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो मैंने आप लोगों को चैप्टर जो है रीडिंग करवाया है। जिन बच्चों ने रीडिंग नहीं की है, सबसे पहले चैप्टर को रीड करिए, जिससे कि वहां पर आपको चीजें समझ में आती हैं। उसके बाद इन क्वेश्चन आंसर को लर्न करिएगा, जिससे कि बहुत जल्दी आपको ये चीज याद भी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 92, मैनाल जलप्रपात कहाँ स्थित है? मैनाल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह है भीलवाड़ा से 80 किलोमीटर दूर कोटा रोड पर नेशनल हाईवे 27 पर स्थित है। मैनाल जलप्रपात कहाँ है? भीलवाड़ा से 80 किलोमीटर दूर कोटा रोड पर नेशनल हाईवे 27 पर। मैनाल जलप्रपात के निकट किस देवी देवता का मंदिर है? मैनाल जलप्रपात इसके पास में किस देवी देवता का मंदिर है? भगवान शिव का। मांडलगढ़ का किला हल्दी घाटी युद्ध से किस प्रकार संबंधित है? मांडलगढ़ का किला जो है वह हल्दी घाटी युद्ध से किस प्रकार से संबंधित है? तो यह हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मुगल सम्राट अकबर ने यहाँ पर डेरा जमाया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है हल्दी घाटी का युद्ध के संबंध में ही कि अकबर ने उस समय डेरा कहाँ जमाया था? तो कहाँ जमाया था? मांडलगढ़ के किले में। देखिए, आपका लास्ट चैप्टर है, इसको जल्दी से ही हम लोग पूरा कर लेंगे, जिससे कि आप लोग इनको जल्दी से लर्न भी कर सकें, क्योंकि आपको भी बाद में रिवीजन जो है वह उसका टाइम जो है वह भी मिलना चाहिए। इसी वजह से सारी चीजें मैंने आप लोगों को पहले ही कंप्लीट करवा दी थी। अब बस ये लास्ट चैप्टर बच गया है और आप लोगों के यूनिट टेस्ट जो है वो भी चलते रहेंगे और आप लोग इनको बार बार रिवाइज करिएगा। मांडलगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो यह बालनोट राजपूतों के प्रमुख ने बनवाया था। नेक्स्ट जो है, मांडलगढ़ का किले में कितने मंदिर हैं? मांडलगढ़ का जो किला है उसमें कितने मंदिर हैं? तो यहाँ पर दो मंदिर हैं, भगवान शिव व भगवान कृष्ण का मंदिर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 97, शाहपुरा किनसे संबंधित तीर्थ स्थान है? शाहपुरा किनसे संबंधित तीर्थ स्थान है? तो यह राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। 1804 ईस्वी में स्थापित राम स्नेही संप्रदाय के अनुयायियों का यह तीर्थ स्थान है शाहपुरा। ठीक है, शाहपुरा मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर जो है वह भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में स्थित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 99, 5 दिन का फूल डोल मेला कब आयोजित किया जाता है? 5 दिन का फूल डोल मेला जो है वह कब आयोजित किया जाता है? तो यह फागुन शुक्ल में शाहपुरा मंदिर के निकट स्थित किया जाता है। ठीक है, तो फागुन शुक्ल में शाहपुरा मंदिर के निकट 5 दिन का फूल डोल मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 100, त्रिमूर्ति स्मारक बारहट जी की हवेली वर्तमान में जो राजकीय संग्रहालय में परिवर्तित हो गई है, यह कहाँ स्थित है? तो यह भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 101, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारट कहाँ से थे? तो ये कहाँ से थे? भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे से। तो इनको अलग से भी पूछा जा सकता है कि जोरावर सिंह जो है वो कहाँ के थे? तो शाहपुरा के थे। केसरी सिंह कहाँ के थे? शाहपुरा के थे। प्रताप सिंह कहाँ के थे? शाहपुरा के थे। शाहपुरा भीलवाड़ा किस प्रकार की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह फड़ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। प्रसिद्ध पिवनिया तालाब कहाँ है? तो यह तालाब जो है वह भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 104, कुंड और बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो देखिए, अभी हमने भीलवाड़ा जिले से संबंधित सभी पर्यटन स्थल पढ़े, अब स्टार्ट होते हैं बूंदी जिले से संबंधित। ठीक है, तो क्योंकि कुंड और बावड़ियों का शहर जो है किसे कहते हैं? बूंदी को ही कहते हैं। तारागढ़ फोर्ट कहाँ स्थित है और इसे कब निर्मित कराया गया था? तो तारागढ़ फोर्ट जो है एक अजमेर में है और
दूसरा जो है वह बूंदी में है, ठीक है। तो जो बूंदी का तारागढ़ फोर्ट है वह 1345 ईस्वी में निर्मित करवाया गया था। तारागढ़ फोर्ट किस वास्तु शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है? तो यह राजपूत वास्तु शैली का उत्कृष्ट नमूना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 107, 84 खंभों की छतरी किसके द्वारा निर्मित कराई गई थी? 84 खंभों की छतरी किसके द्वारा निर्मित कराई गई थी? तो यह बूंदी के महाराज अनिरुद्ध सिंह द्वारा निर्मित कराई गई थी। किसके लिए? अपने प्रिय सेवादार की स्मृति में। क्वीन स्टेबेल रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हैं, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। यह यहाँ पर बिल्कुल अलग से ही बूंदी जिले के बारे में आपको जानने का, याद करने का मौका मिल रहा है। आप लोगों की कोई क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार देखा है। क्वीन स्टेबेल का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो महाराज अनिरुद्ध सिंह ने ही करवाया था। बूंदी के थे जो, बूंदी महाराज अनिरुद्ध की छोटी रानी नाथावती द्वारा 1699 ईस्वी में क्वीन स्टेबेल रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है 109 क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान के किस शहर को मिनिएचर पेंटिंग का गढ़ माना जाता था? तो बूंदी शहर को मिनिएचर पेंटिंग का गढ़ माना जाता था, ठीक है। 18वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान का जो बूंदी शहर है इसको मिनिएचर पेंटिंग का गढ़ माना जाता था। नेक्स्ट है 110 क्वेश्चन, चित्र महल में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को याद होगा, इसका निर्माण जो है वो महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। तो बूंदी जिले से संबंधित सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से इनको रिवाइज करिएगा ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है वो ना छूट पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।